हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल भी बेजान से हो रहे हैं आपके बाल, और आप चाहते हो कि आपके बाल बिल्कुल मुलायम शाइनिंग वाले और खिले हुए आपके बाल दिखाई दें, ताकि कोई देखकर भी आपसे पूछे कि आप अपने बालों में क्या लगा रहे हो, तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे आप सिर्फ़ एक बार लगाने के बाद ही उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर दही लेनी है, और दही का जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हमें निकाल देना है। हमें सिर्फ इसका जो गूदा होता है वही चाहिए होगा। अगर इसमें हम पानी के साथ ले लेंगे दही को, तो ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और इसका पेस्ट अच्छे से बालों में नहीं टिक पाता है, वो निकल जाता है। तो देखिए, आप इसे छान लीजिए और इसका एक्स्ट्रा पानी आप निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा पानी निकलने के बाद जो आपके पास ये गूदा रह जाएगा, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे बालों को मुलायम करता है, चमकदार करता है, और बालों की न्यू ग्रोथ बढ़ाने में भी काम करता है। सेकंड, हमें यहाँ पर लेना है केला। केले को आप छील कर अच्छे से जार में डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। थर्ड, हमें यहाँ पर लेना है विटामिन ई का एक कैप्सूल। इसको आप ऊपर से कट करके और इसके ऑयल को इसमें आपको मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छे से 3 सामान है सिर्फ, जिन्हें आपको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है बहुत थिक सा। केले के अंदर जो फोलिक एसिड होता है, इससे बाल आपके चमकदार होंगे, शाइनिंग वाले होंगे, और आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी आपको शाइनिंग देखने को मिलेगी। चमक रहती है बालों में, जिस जैसे हम अपने बालों में तेल डालते हैं, एक नमी सी बन जाती है, उसी तरीके से जैसे हम केला अपने बालों में लगाते हैं तो उससे भी एक नमी सी बनती है। आपके बालों में बहुत ही अच्छी चमक आती है केले को लगाकर। और इसमें जो हमने विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ किया है, वो भी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी हमें इसे लगाना किस तरीके से है, तो देखिए, आपको इसका पेस्ट ले लेना है। अच्छा थिक पेस्ट बनाइए, बिल्कुल पतला नहीं बनाने की ज़रूरत है आपको। और बालों के थोड़े थोड़े बाल आपको लेने हैं, बालों को अपने डिवाइड करके स्कैल्प में भी बालों के, और बालों की लेंथ में भी, पूरे हेयर में आपको इसे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ऐसे ऊपर ऊपर मत लगाइए, अच्छे से बालों को खोल के बालों की जड़ों में अच्छे से लगना चाहिए। कोई भी चीज़ होगी वो बालों की जड़ों में है लगाओगे आप, कोई भी पेस्ट हो या कुछ भी, तभी आपके बालों को फ़ायदा देता है। दही भी हमारे बालों को चमकदार बनाती है, मुलायम बनाती है, और बालों का गिरना भी बंद करती है। बालों में भी एक बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ करके लेकर आती है दही। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे हेयर में इस पेस्ट को लगा लेना है। इसे आप सिर्फ एक बार लगाने से ही इसका असर आपको दिखाई देगा। मैंने देखिए, इसे पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई कर लिया है इस तरीके से। बालों में आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी, क्योंकि एक कंडीशनर का ही काम करता है। आप इसको लगाकर कम से कम 30 मिनट तक अपने बालों में रखिए, क्योंकि बालों में जब हम कोई भी पेस्ट लगाते हैं तो उसे थोड़ी देर बालों में टिकने देना चाहिए, ताकि वो अपना रिज़ल्ट अच्छे से दिखा सके। तो 30 मिनट के बाद हमें इसे ठंडे पानी से वॉश करना है। आप चाहें तो बिना शैम्पू के इसको साफ़ करिए, और शैम्पू 3 दिन बाद आप अपने बालों में करिए। तो मैं इसको बिना शैम्पू के 30 मिनट के बाद वॉश करके आ गई हूँ। ठंडे पानी से वॉश करिए, गर्म पानी से बिल्कुल भी वॉश मत करिए। अब मैं अपने बालों में ऑयल लगा लूँगी, और फिर 3 दिन बाद मैं इसको शैम्पू से वॉश कर दूँगी। उसके बाद हमारे बाल हो जाएंगे बिल्कुल मुलायम, बाल आपके गिरेंगे नहीं, चमकदार होंगे, मजबूत होंगे। जो घरेलू उपाय होते हैं, इनसे हमारे बाल मजबूत रहते हैं, बिल्कुल नहीं गिरते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।